मैं हूँ हिना अमीन और मैं हूँ सैदा फातिमा और आज हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में। कराची में वैसे तो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी वो वाहिद इदारा है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ की खास बात जो शायद कम ही लोग जानते हैं वो यहाँ के खाने हैं, जिसे हमने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बहुत मिस किया है। तो लेट्स सी यहाँ पर अब भी वो कैंटीन्स मौजूद हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम केयू के फेमस ढाबे सूफी पर मौजूद हैं, जहाँ सुबह का नाश्ता तो मज़ेदार मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस दाल चावल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ढाबे पे मौजूद अभी सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि वो आउटसाइडर्स भी है, जो कि रीजनेबल प्राइस में अपना दोपहर का खाना बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद सईदुल्ला हकीम सईद का छोटा भाई, पर प्लेट 100 रुपया का। ये सुबह 12 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 9 बजे तक चलता है। जब मैंने ये पुलाव चाइनीज स्टार्ट किया, जब मैंने दाल चावल बनाया, सब कुछ लिपेट गया, सब ये पसंद करता है, बाकी कोई लोग पसंद नहीं करता है। वैसे तो कराची में बहुत सारी मशहूर चाट की जगह हैं, पर जबार भाई की चाट इज माय फेवरेट। जबार भी तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गए हाँ चाट को। तो चाट में खास मेन चीज़ है ना दही का, और ख़ासकर मसाले जो है, और हमारे पास ये चीज़ जो है ना वो खालिश इस्तेमाल हो रही है, बहुत दूर से भी आते हैं यहाँ तक के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट जो है ना वो ज़्यादातर हैदराबाद तक भी लोग आते हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ से चले गए, वो यहाँ से जब आते हैं तो चाट भी लेके साथ जाते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, माजू में भी अभी लगाएंगे। बहुत दूर दूर से लोग खासतौर पे चाट खाने आते हैं, इवन कोई यहाँ नहीं भी पड़ता तो बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं चाट खाने, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात इसकी कि तो बहुत रीज़नेबल है, 60-70 रुपीज़ की ये चाट है। केयू आएँ और वन बाइट समोसा ना खाएं मुमकिन ही नहीं है। हिना तुम्हें याद है हम हर क्लास के ब्रेक के बाद केयू के वन बाइट समोसे ज़रूर ट्राई करते थे और इसके बगैर हमारा दिन कम्प्लीट नहीं होता था। मेरा नाम मोहम्मद सलीम शेख है और मुझे तकरीबन 11 साल हो गए यहाँ पर। इससे पहले मेरे नाना स्टार्ट करते, नाना चलाते थे इसको। हम 1971 से स्टार्ट हुआ है ये, मेरे नाना मरूम ने स्टार्ट करा था वन बाइट के नाम से। अब तो तरह तरह के वन बाइट आ गए, वन बाइट पिज़्ज़ा है, वन बाइट जिंगर है। तो ये उस 1971 से फर्स्ट हमने स्टार्ट करा था, तो अब तो हम ऑनलाइन पर भी आ गए। तो हमारी माशाल्लाह कस्टमर इतने अच्छे हैं कि हमारा हमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है कि हम आपको बता नहीं सकते। और सबसे चीप रेट हमारे होंगे आई थिंक, शायद आपको पता है कि 50 रुपये दर्जन एंड फ्राइड है और 60 रुपये दर्जन फ्राइड है, इतनी महंगाई के उसके अंदर भी। फाइनली अब हम VS पर मौजूद है कि जब हम अपनी सारी क्लासेस से फ्री हो जाते थे तो हम फिर यहाँ पर आकर अपने फ्रेंड्स के साथ मी टाइम इंजॉय करते थे और गपशप करते थे मज़ेदार फ्राइज और चाय के साथ। तो ये थे कराची यूनिवर्सिटी के फेमस फूड स्पॉट, जिन्हें स्टूडेंट्स के साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं वाइल विजिटिंग। और अगर आपने इन स्पॉट्स के खाने ट्राई किए हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।